हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनके साथ मैंने बहुत सारे गाने किए हैं बहुत मस्ती की है एंड इन जनरल इतना काम किया है कि वो मेरे चैनल के मोस्ट फीचर्ड आर्टिस्ट हैं एंड उनके साथ जो हमारी दूसरी गेस्ट है उन्हें भी हमारे साथ बहुत सारे गाने किए हैं सो वेलकमिंग मिस्टर सौरभ जोशी एंड मिस प्रिया थापा तो सौरभ और प्रिया कैसे हो आप लोग और क्या हालचाल है कैसा लग रहा है मुंबई आके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हमेशा अच्छा लगता है बहुत अच्छा लग रहा है मैं तो मेरा तो फर्स्ट टाइम है तो काफ़ी ज्यादा अच्छा लग रहा है इज सौरभ जोशी एंड हु इज प्रिया धापा। तो सौरभ सौरभ आप पहले स्टार्ट करो हु इज जोशी तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि uh, मैं बहुत सिंपल इंसान हूं और मेरे को मेहनत करना बहुत पसंद है डेली दिन रात मेहनत करना और डेली अपनी लाइफ को डेली वीडियोस में ब्लॉगिंग के थ्रू अपने चैनल पे दिखाना और लोगों के फेस पे

तो पहले अब सौरभ आप बताओ हु इज प्रिया धापा हु इज प्रिया ये ये बस ऐसे ही करते रहती है कहीं भी वीडियो या फिर फोटो लेनी हो बस ये ओके प्रिया तो अभी आप बताओ कि हु इज सौरभ जोशी जैसे सौरभ ने आपके बारे में ऐसा बोला अब आप बताओ सौरभ कैसा है सौरभ सौरभ सबको पता है सौरभ ऐसे ही हे गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग मेरा तो ये है जैसे कि मैंने बताया मैं अपनी डेली लाइफ दिखाता हूं ब्लॉग्स में? में पर ये भी एक्चुअली ना बहुत डिफिकल्ट चीज है मतलब लोगों को लगता है कि ठीक है रोज एक एपिसोड आना बट जस्ट इमेजिन आप हर रोज शूट कर रहे हो हर रोज रात को एडिट कर रहे हो इस्पेक्टिव आप बीमार हो आप थके हुए हो कभी लाइफ में कोई ब्रेक नहीं कुछ नहीं और रोज आपकी ऑडियंस के लिए एक दिन ब्लॉग लाना मतलब कमेंडेबल है ये बहुत बहुत बड़ी बात है तो सौरभ और प्रिया ये सीन कैसे चालू हुआ सीन मतलब आप लोगों की ब्लॉगिंग जर्नी मुलाकात मुलाकात कैसे हुई आप दोनों की अच्छा मुलाकात आप लोगों ने देखा होगा हमारे काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं और हम मिलते रहते हैं और हम दोनों आर्टिस्ट हैं सबसे मेन दोनों आर्टिस्ट हैं दोनों को आर्ट करना पसंद है और हमारी हॉबीज भी सेम है हमको हमारी थिंकिंग भी सेम है तो आ, हम मिले थे आर्ट के थ्रू ही आर्ट के थ्रू ही मिले थे हाँ टू में जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था आर्ट वाला तो तब प्रिया ने ही मुझसे कॉन्टेक्ट किया था तो प्रिया बताएगी Uh, मैंने करा था क्योंकि काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता था कि किसी भी चीज को कैसे ड्रॉ करना है तो मैं उस सीख रही थी और तो सबसे पहले ऐसे सौरभ का आया तो मैंने देखा तो मैंने देखा ये इतने अच्छे से बता रहा था इतने सिंपली तरीके से ना सब कुछ इतने अच्छे से बता रहा था मेरे को तो तो बहुत अच्छा लगा फिर मैंने और ऐसी चीजें बहुत सारी चीजें सीखी मैंने पोर्ट्रेट बनाना मैंने सौरभ से सीखा अच्छा फिर मैंने सौर को कंटेक्ट करा और मैंने सोचा कि मैं बस इतना बोलूंगी कि यार तुम्हारा चैनल बहुत अच्छा है और तुम ऐसे 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 बनाते रहा करो तुम बहुत अच्छा समझाते हो फिर 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 कर कर, कर हमने और बात और बातें करी हम ऐसे मिले भी तो तीन म्यूजिक वीडियो लिए <laughs> <laughs> अरे वो वाइब मैच हो गई ना एकदम आर्टिस्ट वाली और सबसे मेन तो हम दोनों पहाड़ी है उत्तराखंड है आ, तो वो हम पहाड़ पहाड़ी वाली बातें होती है कौन सी पहाड़ी बातें थोड़ी हमें भी बताइए पहाड़ी बातें इन द सेंस जो पहाड़ से है ना वो वो ही कनेक्ट ही कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी तो नहीं जैसे बचपन में हम बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो हम जब अपने गांव जाते थे तो हम बस, हम, जा, बस हम बस में जाते थे और हम दो दिन का ट्रैवल करते थे तीन बस चेंज करते थे तो बस में हम जाते थे और बस में रोडवेज बस होती थी तो हम उसकी बातें करते थे कि रोडवेज बस में ऐसा होता था हम उल्टिया करते हुए जाते थे हमने जब पहले दिन बात की है तो हम उल्टियों की बातें कर रहे हैं क्या बात है की उस बस में ऐसे उल्टी करते हुए आते हैं जो पीछे बैठा होता है उस पर सारे चीट आते हमने इतनी बातें करी ना उल्टी के ऊपर और इससे हमारी दोस्ती और ज्यादा गहरी होती है हम पहाड़ पे पकौड़े खाते हैं रायता के साथ में ये खाते हैं ये वाली पहाड़ी बातें कि पहाड़ी गाने सुनते हैं कौन सा फेवरेट है और पहाड़ी लैंग्वेज जैसे गढ़वाली है और मैं कुमाऊनी कुमा तो लैंग्वेज भी अलग अलग है तो लेकिन गाने सुनते हैं तो वो एक वाइब होती है ना पहाड़ी वाली वो पहाड़ी समझ सकता है तो सौरभ प्रिया आप दोनों के लिए एक सवाल है तो पहले मैं सौरभ से पूछता हूँ आपकी ये जो जर्नी है उसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है ऑब्बियसली uh, हर किसी की जर्नी में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उनकी फैमिली क्या होता उनकी का होता है उनके पेरेंट्स का होता है बिकॉज अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे वो अगर स्टार्टिंग से हमको uh, अच्छा पालन पोषण नहीं करेंगे अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो ऑब्वियसली हम ग्रो नहीं कर पाएंगे हम किसी गलत राह पे चले जाएंगे गलत संगति में चले जाएंगे तो हाँ उन्होंने स्टार्टिंग से अच्छे से पाला पोषा अच्छे से अच्छे संस्कार दिए स्पेशली तो इसीलिए मैं ऐसा हूँ अभी यहाँ पहुंच गया अभी भी वैसा ही हूँ तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा हाँ। बैठी हाँ। वो मतलब ऐसा है कि लड़ाई होती रहती है वो ठीक है पर हर चीज में सपोर्ट करती रहती है नहीं रहन दे। लेकिन वो सपोर्ट करती है आपके जेब में कितने पैसे जेब में जेब तो बहुत है बीस रुपए इससे ज्यादा तो आपके पैंट में जेब है <laughs> जेब में सिर्फ बीस रुपए और कभी पोर्श, कभी मिनी कूपर कभी मर्सिडीज कभी बीएमडब्ल्यू, फॉर्च्यूनर इनोवा क्रिस्टा तो ये कैसे बीस रुपए से आ रही है ये सब ये तो सब भाई सबसे मेन तो ऊपर वाले का है भगवान जी का है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में मैंने ये भी सोचा कि मैं गाड़ी चलानी भी सीखूंगा स्टार्टिंग hmm. में मैंने ये भी सोचा था कि मैं गाड़ी चलानी भी सीखूंगा उसके बाद ग्रो करते करते गाड़ी सीखी गाड़ी ले भी ली फिर एक गाड़ी ली दो गाड़ी ली तीन गाड़ी ली चार गाड़ी ली तो ये मैं मैंने कुछ ही प्लान नहीं किया सब ऊपर वाले ने प्लान किया हमारे लिए एक यूट्यूबर एक एवरेज यूट्यूबर के जेब में मंथली कितना पैसा जाता है अप्रोक्सीमेटली ब्रांड्स यूट्यूब कोलेब्रेशन सब मिला के व्यूज़ पे मैटर करता है यार क्योंकि एडसन से जो पैसे मिलते हैं वो व्यूज़ वो व्यूज़ के हिसाब से मिलते हैं कि तुम्हारे कितने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो और वीडियोज़ कितने डाल रहे हो तो मैं तो डेली वीडियो डालता हूँ व्यूज़ भी अच्छे खासे जाते हैं बट अगर कोई यूट्यूबर है वो आ, हफ्ते में एक वीडियो डाल रहा है तो मेरे को उससे सात गुना ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ नहीं बट एक जनरल एक यूट्यूबर का रेंज तो वही मैं बता रहा हूँ कि वीडियो डालने पे और व्यूज़ पे फर्क पड़ता है और ब्रांड्स भी उसके हिसाब से पैसे देते हैं कि भाई तुम्हारे ज़्यादा व्यूज़ हैं तो तुमको ज़्यादा पैसे मिलेंगे राइट तो अगर एक नॉर्मल यूट्यूबर है तो वो दस से बीस लाख रुपए तो कमाई ले सकता है पर वो भी एक्चुअली बहुत बड़ा अमाउंट है अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो या अगर आप कोई जॉब कर रहे हो वो अमाउंट तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम पंद्रह से बीस साल काम करना पड़ेगा और ये आजकल मतलब यंग बच्चे कितने तो हम देखते हैं मतलब अठारह साल उन्नीस साल के बच्चे बीस पच्चीस तीस लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है अगर बोड़, बोड़। उसको अच्छी तरह से यूज़ करें सही अपना लोगों को एंटरटेन कर सकें उस और जो फ़ोन हम स्क्रोल करते रहते हैं रील्स देखते रहते हैं या फिर फालतू की वीडियोज देखते रहते हैं टाइम वेस्ट करते रहते हैं उसको कम करके अगर हम दिमाग को यूज़ करके यूट्यूब पे वीडियोस देख के ही और अगर हम सीख के लोगों के लिए कुछ क्रिएट कर सके लोगों को एंटरटेन कर सकें तो डेफिनेटली हम भी अच्छा अर्न अच्छा अच्छा कर सकते हैं जनता ये जानना चाहती है सौरभ कि आप में एटीट्यूड है एटीट्यूड यार वो ना जैसे अ, अलग अलग सिचुएशन होती है मेरे साथ में कई बार जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मैं हाईवे पे गाड़ी चला रहा हूँ फॉर एग्जांपल या फिर ट्रैफिक में गाड़ी चला रहा हूँ तो कोई मुझे फॉलो कर रहा है वो मुझे रोकने के लिए कह रहा है बट मैं जल्दी में हूँ मैं नहीं रोक सकता या फिर हाईवे पे मैं नहीं रोक सकता अगर मैं नहीं रोकी मैंने उसको मना कर दिया तो उनकी ईगो पे लग जाती है तो वो फिर बोलते हैं किसके अंदर एटीट्यूड है फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं जा रहा हूँ मार्केट जा रहा हूँ घर में अम्मा हैं बाबू हैं पाप मम्मी किसी की तबीयत खराब होती है तो मैं तो मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ उनको तो फिर मैं नहीं रोकता भाई उनको अगर ऑफ कोर्स उनको अगर जाना है दवाई लेके आनी है और मैं ब्लॉग भी नहीं बनाता कई कई बार मैं घर से निकलता हूँ ऐसे तो ना हर चीज़ का ब्लॉग बनाऊंगा तो मैं मेरा ध्यान रहता है बस उनको हॉस्पिटल ले जाना है उनको दवाई दिलानी है सब भाई कोई भी आए तो उस टाइम पर मैं नहीं रोका उस टाइम पर मैं नहीं मिल रहा सोसाइटी के बाहर लोग आते हैं तो तो वो बोलते हैं या फिर कई जैसे स्ट्रगलिंग ब्लॉगर्स होते हैं जो जिन्होंने स्टार्ट किया है तो वो कई बार आते हैं मिलने के लिए तो वो मतलब कई बार ऐसा होता है मैं घर पे ही नहीं हूँ और वो बाहर आके पूरा व्लॉग बना के कि मैं इतना इतना टाइम हो गया मुझे वेट करते हुए वे अभी तक नहीं आया अभी तक नहीं आया टाइटल में डाल दिया एटीट्यूड ये वो तो उनकी वीडियो चल भी जाती है तो हाँ मतलब हर कोई नहीं बोलता मतलब इतने मिलियंस लोग मुझे डेली देख रहे हैं मेरे मेरे चैनल पे दो करोड़ दो करोड़ व्यूज डेली आ रहे हैं <laughs> जिनको भी जिनको भी लगा अभी तक तो मैं हाथ जोड़ के सॉरी बोलना चाहूंगा बट मेरी मजबूरी होती है मैं कहीं पे रुक नहीं पाता आप लोगों से मिल नहीं पाता बट फ्यूचर में जरूर मिलेंगे सबसे और मेरा मानना है कि सौरव जितने घर के बड़े हैं मतलब उसके खुद के घर के मेरे घर के जो भी दिख जाए घर से निकलने से पहले उनके पैर छूता है घर आने के बाद उनके पैर छूता है तो जो इंसान इतना ग्राउंडेड है कि इतने सक्सेस के बाद भी रोज़ ये करता है उसमें कभी एटीट्यूड नहीं आ सकता ये मेरा पर्सनली मानना है तो अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है एक छोटा सा गेम सौरव और प्रिया एक दूसरे को कितना अच्छे से जानते हैं तो अब मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा और सौरभ और प्रिया आप दोनों को एक दूसरे के लिए ये आंसर करना है स्पीड में तो आप दोनों रेडी है यस yes. तो पहला सवाल फेवरेट फूड दाल चावल पाव भाजी हां राइट है राइट है हां सेकंड है बेस्ट फ्रेंड इसकी मैं <laughs> इनकी मैं क्या बात है तीसरा सवाल फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह है बताओ ना राइडर आ, प्रिया का के के हाँ फेवरेट सॉन्ग सौरभ का ऐसे कुछ पर्टिकुलर तो नहीं है प्रिया का भी कोई पर्टिकुलर नहीं है है एक है एक वो पता होना चाहिए अब कैसे पता आपके सामने बोला था मेरी याददाश्त अच्छी है तो मैं पता होना चाहिए और सिंगर भी के के है और एक्टर के मैं बहुत बड़ी फैन हूं ओ आ गया याद आ गया याद आ गया, गया गय अजब सी अजब हां फेवरेट कलर तुम्हारा तो वाला ब्लैक सारा का भी ब्लैक ही है हम्म और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्स का फेवरेट म्यूजिक चैनल और जिसके पहले आप ये आंसर करो मैं बता दूं कि अगर जो आंसर मुझे चाहिए वो नहीं आया तो ये क्वेश्चन एडिट में हट जाएगा अब बताओ वी से नाम चालू होता है और उस पर आप दोनों के गाने भी आए हैं बॉयल आ क्या आप बात है अब आप बताओ uh, मेरा है एक गाना था झूठा लगता वो क्या बात है बॉयल आ अगेन <laughs> तो सौरभ और प्रिया आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आप लोगों को इमीडिएटली आंसर करना है विदाउट सोचे समझे पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा लड़ने वाला सारा सौरभ <laughs> ऐसे किसी नीचे देख के बोला ठीक है सबसे ज्यादा चिढ़ने वाला चिड़ता नहीं हम कोई सबसे ज्यादा खाने वाला सबसे ज्यादा सोने वाला ये तो मैं खुद ही बोल देती हूँ जब दोनों का कभी झगड़ा होता है तो पहले वापस झगड़ा ठीक कौन करता है झगड़ा होता ही नहीं है सबसे ज्यादा आलसी आप सबसे ज्यादा आलसी आप ही हो एडिट में काट देना सबसे ज्यादा मेहनती अच्छा आलसी मैं मेहनती एक दूसरे पे तो ये तो हो गई थोड़ी फनी बातें मस्ती मजाक वाली अब थोड़ी सी सीरियस बातों पे आते हैं तो सौरभ अभी वाले सौरभ में और पहले वाले सौरभ में बिफोर व्लॉगिंग वाले सौरभ में क्या डिफरेंस है दिन रात का अंतर है वो तो दिख ही रहा है आप लोग आपको भी जब स्टार्टिंग में आप मिले थे और अब मिले तो बिहेवियर में कोई मतलब डिफरेंस नहीं है बट मैंने लाइफ में काफ़ी कुछ सीखा है बिकॉज़ स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे कुछ भी नहीं पता था किसी भी चीज़ के बारे में बिकॉज मैं एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ जहाँ पे फैमिली को ना कुछ ज़्यादा पता ज़्यादा फैमिली भी एजुकेटेड नहीं है और मैं जिस स्कूल में पढ़ा वहाँ भी माहौल कुछ ऐसा नहीं था सब हिंदी में बात करते सब नॉर्मली बात करते इवन फ्यूचर के बारे में बात नहीं करते मेरी टेंथ कंप्लीट हो गई तो मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या लेना है मुझे साइंस लेना चाहिए क्योंकि स्कूल में कोई बात ही नहीं हुई बच्चों में कोई बात ही नहीं हुई इस बारे में hmm. तो वहाँ वहाँ का ये था जहाँ मैं जाता था हरियाणा में कि भाई अगर तुम साइंस लोगे तो तुम बेस्ट बच्चे हो और मतलब अपनी हॉबी के हिसाब से या फिर अपनी पसंद के हिसाब से कोई कुछ नहीं लेता था तो मैंने मैंने साइंस ले ली थी अच्छा साइंस ली थी हाँ साइंस विद मैथ ले ली थी कि मेरे को मेरे को बड़ा दिखना है पढ़ाई में कैसे थे सौरभ बाबा सौ पढ़ाई में ठीक ठाक मतलब पास होने लायक पास, पास होने लायक तो मैं जैसे जैसे ट्वेल्थ मैंने पास कर ली थी साइंस और मैथ से उसके बाद मैं दिल्ली गया था एक साल कोचिंग के लिए आर्किटेक्चर की जो कि नहीं हो पाया मेरा सिलेक्शन मैथ की वजह से अच्छा। बाकी ड्राइंग वगैरह तो सही थी कि मैथ्स की वजह से नहीं हो पाया था तो उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया मुझे कुछ नहीं पता था नॉर्मल नौर्म, फैमिली से बट मैं ग्रो हो गया था एकदम से एक दो साल में मैं ग्रो हो गया था एक साल में ही दस मिलियन सब्सक्राइबर भी हो गए थे मेरे ब्लॉगिंग चैनल जब मैंने शुरू किया तो ब, ग्रो तो हो गया बट मुझे लाइफ के बारे में नहीं पता मुझे किस तरह से आ, सोशल मीडिया पर रहना है क्या बोलना है क्या गलत है गलत और सही के बारे में नहीं पता मुझे ज़्यादा क्योंकि एज तो मेरी कमी थी ना बीस इक्कीस साल का था बट मैं ग्रो कर गया और बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो हाँ रैपिडली तो काफ़ी सारी गलतियां भी हुई काफ़ी सीखा काफ़ी स्कैम भी हुए मेरे साथ में बहुत कुछ हुआ मेरे साथ में और काफ़ी लोगों ने ट्रोल भी किया मुझे बट धीरे धीरे करके मैं सीखा पहले वाले में और अब वाले में ये डिफरेंस है कि मैं लाइफ के बारे में सीख रहा हूँ पर इसमें एक चीज़ मैं बोलूंगा कि जहां तक मुझे पता है जो कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिला हाँ बाद में उसी कॉलेज ने आपको चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट किया था क्या ये बात में कोई सच्चाई है अब तो मतलब सभी आईआईटी सभी बड़े बड़े कॉलेज मैं आईआईटी में वर्कशॉप भी दिया मैंने मेरे को आईआईटी अच्छा मेरे को आईआईटी में एडमिशन चाहिए था एडमिशन नहीं मिला बट उसके बाद मैंने जब आर्ट चैनल बनाया तो आई वालों ने मुझे खुद बुलाया मैंने आई में जाके वहाँ पे किसी फेस्टिवल में मैंने वर्कशॉप भी दी है ड्रॉइंग की तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था जब मैंने इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जहाँ से रिजेक्ट हुए वो आपको एज अ गेस्ट बुला रहे या एज अ प्रोफेसर बुला रहे तो प्रिया अभी वाली प्रिया और पहले वाली प्रिया क्या डिफरेंस है दोनों में मुझे लगता है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया कुछ मैं पहले भी ऐसे ही हंसती खेलती रहती थी ऐसे ही करके और अभी भी मैं ऐसे ही करके बस यही है कि पहले लोग पहचानते नहीं थे पर अब जैसे लोग पहचानते हैं

बेसिकली हम मैं स्टार्टिंग से आता हूँ बेसिकली हम हैं उत्तराखंड से ठीक है तो पापा जी को काम ढूंढ वहाँ पर काम नहीं मिलता तो पापा जी को काम ढूंढने के लिए दिल्ली आना पड़ा था तो दिल्ली में वो करते थे मजदूरी पीओपी करते थे लोगों के घरों में तो वहाँ से वो चले गए थे हरियाणा उसके बाद फिर फैमिली को भी ले आए थे तो वो <coughs> जैसे अभी मैं दिन रात ब्लॉगिंग करता हूँ तो वो दिन रात मजदूरी करते थे लोगों के घरों में मतलब बल्ब जला के भी रात को भी पीओपी पी का काम करते थे रात रात भर घर नहीं आते थे तो उससे जितना अर्न होता था उससे ही हमको पूरा पाला पोषा और पूरा स्कूलिंग उसी से हुई सब कुछ तो फाइनेंशली मतलब उतने अच्छे उत, फाइनेंशली उतने स्टेबल नहीं थे तो उसके बाद मैं जब दिल्ली गया तो दिल्ली कोचिंग के लिए पापा ने मतलब पैसे जोड़े जैसे तैसे करके और एक साल की मुझे कोचिंग भी दिलाई और वहाँ भी काफ़ी स्ट्रगल था एक साल तक मैं किस तरह से रहता था अकेले रहता था और मैं मैं पाँच पाँच रुपये बचाता था वहाँ पे जैसे मैं आधा किलोमीटर पैदल चल लेता था पाँच रुपये बचाने के लिए कि उस स्टेशन से पाँच रुपये लगते थे अदरवाइज दस लगते थे हाँ और उस टाइम तक मैं आ, कहीं भी आ, मतलब जैसे किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी भी जैसे बो, क्या बोलते हैं डोमिनोज हो गया बर्गर किंग हो गया फिर कहीं भी मैं आज तक कभी गया नहीं था ये ट्वेल्थ से ट्वेल्थ से बाद की बात है मैं कहीं पे कुछ खाने के लिए नहीं जा पाता था जो कोचिंग पे कोचिंग में, में मेरे फ्रेंड्स थे तो वो मुझे बोलते थे कि, आ, कि चलते हैं खाने के लिए चलते हैं वो जो रोज़ जाते थे खाने के लिए चलते हैं तो मुझे लगता था वो कि भाई पैसे लगेंगे मेरे पास तो है नहीं वो सब जाते थे वो मुझे बोलते थे कि तू भी चल तू भी चल मैं आज तक कभी नहीं गया मैं कुछ ना तो कुछ बहाना मारता था कि मेरे को ये करना है मेरे को उधर जाना है तो वो भी अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं मैंने उनको कभी बोला नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं है वैसे वो पैसे मुझसे नहीं मांगते वो खुद ही दे देते बट फिर मुझे अच्छा नहीं लगता ना ऐसे तो मैं कभी भी उन एक साल में आज तक कभी उनके साथ नहीं गया कुछ खाने के लिए कभी मूवी के लिए नहीं गया कभी मैंने कहीं नहीं गया और मैंने फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा खाया था अपने बर्थडे पे उसके बाद डोमिनोज़ का ख़ुद से खरीद के दो सौ सो तीन सौ रुपये लगे थे मुझे याद है और उसके बाद जब मैं हरियाणा वापस आया और मेरे को कॉलेज नहीं मिला तो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और यूट्यूब की जर्नी भी एक छोटे से रूम से स्टार्ट हुई जहाँ पे मतलब पेंट भी नहीं था मेरे बस टेबल तक नहीं था और टेबल भी किसी पड़ोस में मांगा था किसी से और उस पर मैंने कुछ जुगाड़ सा लगा के फट्टी वट्टी लगा के एक पापा जी ने मेरे को फ़ोन दिलाया था सात हज़ार रुपये का वो मेरे पास अभी भी है मैं दिखाता मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया भी है उससे मैंने स्टार्ट किया था और उससे मैंने तीन सौ चार सौ वीडियोज़ बनाई और लोगों को पसंद आया एक डेढ़ साल के बाद और फिर मैं धीरे धीरे करके जैसे स्टेप बाय स्टेप होता है ना और बट मैंने बट मैंने सोचा ही था कि मेरे को एकदम ऊपर तक जाना है मेरे को नया घर बनाना है मेरे को गाड़ियाँ लेनी है मैं गाड़ियों के बारे में सोचता भी था मेरे पुराने वीडियोस देखना आर्ट वीडियोस देखना पाँच साल छः साल पुराने कि मैं कभी भी अपनी वीडियो में ये नहीं बोलता था कि मुझे ये लेना है मुझे ये पसंद है मुझे घर बनाना है मुझे ऐसे कपड़े पसंद हैं ये खाना पसंद है कुछ मतलब जो महंगी चीज़ें होती हैं hmm. बट जब धीरे धीरे ग्रो स्टेप बाय स्टेप ग्रो करा तब वो चीज़ें आई तब वो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करना शुरू करी तो हाँ मेरे कुछ प्लान्स नहीं थे बट वो धीरे धीरे दी करके सब कुछ हुआ तो आज यहाँ पे हूँ पर इसमें एक चीज़ बहुत विजिबली सामने आती है कि पापा का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है लाइफ में और भले मतलब आप स्ट्रगल कर रहे थे सब था पर एक तरीके से एक सुपर हीरो की तरह एक पेरेंट तो पीछे तो खड़ा रहता है तो साइलेंटली और ना ही उन्हें कभी लाइमलाइट चाहिए आपके फेमस होने के बाद भी ना ही कुछ चाहिए वो बस साइलेंटली आपके सक्सेस में खुश है तो कुछ टाइम पहले आप पे और कुछ ब्लॉगर्स पे एक पैरिडी वीडियो बनाता तो क्या वो क्रिएटर ने आपसे परमिशन ली थी पैरिडी वीडियो के पहले uh, हाँ कैरी का कॉल आया था मेरे पास वीडियो से हाँ एक महीना पहले दो महीने पहले फ़ोन आया था कि मैं सोच रहा हूँ कुछ बनाने का तो मैंने कहा ठीक है बनाओ बढ़िया है तो हाँ पूछा था उन्होंने कि बना लूँ ऐसे करके तो हाँ पूछा था बहुत सारे लोग आप रोस्ट वीडियोज़ बनाते हैं रिएक्शन बनाते हैं कभी कभी ट्रोल भी करते हैं तो आप ये वीडियोज़ देखते हो और आपका क्या रिएक्शन होता है इन पर तो हाँ मैं सारी वीडियोज़ देखता हूँ जो भी दोस्त या फिर जो जैन मुझे लगती है सारी जितने भी क्रिएटर्स हैं चाहे वो बिगिनर लेवल पे हों चाहे वो बड़े लेवल पे हों तो मैं आ, मैं सीखता हूँ अगर मैंने कुछ गलत करा है कि भाई वो बोल रहा है ये बात उसको डीपली जाके कि भाई उसने ये बात बोली कि मैंने क्या गलत कर दिया क्योंकि आ, लाइफ में आ, क्या बोलते हैं गलतियाँ तो सबसे होती है ना लाइफ है तो गलतियाँ हैं और मैं डेली लाइफ दिखा रहा हूँ अपनी और तो ऐसा तो नहीं है कि मैं हर चीज़ सही दिखा दूंगा जैसे आप भी हो आप आप भी डेली लाइफ में बहुत गलतियां करते हो बट हमारी दिख जाती है बिकॉज मैं डेली व्लॉग करता हूँ तो उसमें उस चीज़ों को लेके कई लोग रोस्ट बनाते हैं या फिर वीडियो बनाते हैं तो मैं सीखता हूँ और सीख के मैं इम्प्रूव होता हूँ ताकि वो अगली वीडियो में या फिर आने वाली वीडियोज़ में ना करूँ बाकी कई लोग ऐसे ही बना देते हैं तो फिर मैं इग्नोर करता हूँ बस

और मेरे आसपास के लोग उनको लगा कि मैं बदल गया सक्सेस होने के बाद बट वो बदल गए उनको मेरे देखने का नज़रिया बदल गया तो उन्होंने अलग बिहेव करना शुरू कर दिया उन्होंने अलग डिमांड करना शुरू कर दिया मैं तो पहले की तरह हूँ मैं तो पहले की तरह ठेले बजा जाके खाता था उनके साथ में सब कुछ बट उनकी एक्सपेक्टेशन बदल जाती है ना लोगों की लोगों को लगता है कि मैं चेंज हो गया बट चेंज वो होते हैं तो वो मेरे को काफ़ी हर्ट होता है सोच के कि यार वो सब सब चले गए अब लाइफ में सिर्फ फैमिली है बट हाँ और कुछ मैटर भी नहीं करता बिकॉज मेरी फैमिली मेरे जो आसपास के लोग हैं जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो सभी खुश हैं और अगर पेरेंट्स पेरेंट्स खुश हैं हैं प्राउड फील करते हैं, तो तो फिर क्या ही चाहिए और प्रिया आप क्या मिस करते हो बचपन के बारे में जो बचपन की मस्ती थी बचपन के खाने पीने की चीजें थी और पहले काफी सारी चीजें सस्ती हुआ करती थी जो कि अब सारी महंगी हो चुकी है जैसे कि गोलगप्पे पहले दस रुपए के पांच छह मिल जाते थे अब दस रुपए के दो मिलते हैं मैं उन बाकी चार को मिक्स करूं। गोल गपे नहीं होते पानी पूरी होती है ये तो मैं क्या बोलूं बट पानी पूरी होता है ऑडियंस कमेंट करके बता दो गोलगप्पे होते हैं कि पूरी होती है सौरभ इतने फेमस होने के बाद भी आप इतने हम्बल कैसे हो मुझे लगता है ये बात सही है और प्रिया आप आपके सिंपलिसिटी और ह्यूमिलिटी का क्या राज है वो नेचर है बचपन से स्टार्टिंग से वो ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि भाई बहुत कुछ है फेमस है नहीं नहीं है तो बहुत है तो सौरव और प्रिया आपके लाइफ का एंड गोल क्या है एक मतलब अल्टीमेट मिशन जो होता है ना लाइफ का वो क्या है अभी तो जैसे मैंने बताया कि आ, मैं डेली ब्लॉग करता हूँ डेली अपनी लाइफ दिखाता हूँ पूरा दिन उसमें बिजी रहता हूँ फिर एडिट करना और उसके बाद फैमिली का ध्यान रखना फैमिली को खुश रखना और लोगों को एंटरटेन करना अपने ब्लॉग्स के थ्रू अभी तो मैं यही कर रहा हूँ बट साथ में आ, मेरा प्लान है फ्यूचर में कि आ, जब थोड़े एक और अच्छे लेवल पे आ जाऊँ तो मैं लोगों के लिए कुछ करूँ सोसाइटी के लिए कुछ करूँ और उसके लिए हम और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं जो तो कि मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं बट हाँ यही गोल है और ज़्यादा बताऊँगा नहीं बट बत उसके बारे में खुद से अपने मन की शांति के लिए वो सब चीजें करूँ मैं सोसाइटी के लिए या फिर आ, एजुकेशन के लिए जो कि हम करते हैं आपने मेरी वीडियोज में देखा होगा ब्लॉग्स में तो हाँ बस यही प्लान है और प्रिया आपका मेरा तो यही है कि मैं जो भी काम करूँ उसमें आगे खुश रहूँ मतलब एंड तो यही है कि हम सुकून से जिए खुश खुश जिए क्योंकि आजकल वही बहुत कम हो पाता है क्योंकि प्रोफेशनली आप इतने बिजी हो इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हो इतनी चीज़ें हैं क्या कभी पर्सनल लाइफ अफेक्ट होती है और अफेक्ट होती है तो क्या आप उसे मिस करते हो ओ, नहीं मुझे मज़ा आता है इसमें तो जि जिस जिस चीज़ में मज़ा आता है ना और हमने चूज़ किए वो चीज़ तो फिर उसमें पर्सनल लाइफ या फिर ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती और लोग इतना प्यार करते हैं और भगवान ने स्पेशली भगवान ने दिया है क्योंकि डेली लाखों लोग व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं और ऐसा नहीं कि मैं टैलेंटेड हूँ मुझसे बहुत लाख गुना टैलेंटेड लोग पूरे इंडिया में हैं जो व्लॉगिंग कर रहे होंगे जो बहुत एफर्ट डाल रहे होंगे हाई क्वालिटी कॉन्टेंट बना रहे होंगे बहुत कुछ बना रहे होंगे बट भगवान ने मुझे दिया है तो मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और डेली काम करना चाहिए तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ हाँ बस भगवान देते भी उन्हें जो डिस करते हैं आज का हमारा वन लास्ट फाइनल क्वेश्चन तो आप लोगों की इतनी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है इतने बच्चे आपको रोज़ देखते हैं इन्फ्लुएंस होते हैं तो इन यंगस्टर्स को आपकी क्या एडवाइस है मतलब लाइफ को लेके अपने करियर को लेके हर चीज़ में आपकी एक वन वर्ड एडवाइस है वन सेंटेंस एडवाइस इन यंगस्टर्स को क्या है एडवाइस uh, मैं तो ये बोलूँगा भाई किसी के कहने पे कुछ मत करो जैसे मैं एडवाइस दूँ कि तुम ये करो तुम वो करो बट तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा हो है ना तो मतलब ऐसे नहीं बोलूँगा मैं ये बोलूँगा कि आपके मन में जो ना आपका जो दिल कहता है वो करो किसी को देख के किसी कहने पे किसी ने मोटिवेट कर दिया आपको ये करने के लिए बट जो मोटिवेशन है या फिर किसी का कहना है वो कुछ कुछ टाइम तक ही रहता है बट जब हम करते हैं तो हमको रियलिटी चलती है पता तो बैठो टाइम लो और अपने दिल की सुनो और अपने पेरेंट्स के साथ में मिल डिसीजन लो क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो हर डिसीजन में आपको सपोर्ट करेंगे मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ लाइफ में बहुत लोग आएंगे बहुत लोग जाएंगे बहुत आपको मोटिवेट करेंगे बहुत कुछ करेंगे बट पेरेंट्स आप आपके साथ में मतलब हर लेवल पर खड़े होंगे चाहे आप कुछ गलत भी करोगे ना वो फिर भी आपके साथ में खड़े रहेंगे दूसरे लोग भाग जाएंगे बट पेरेंट्स कभी भी नहीं भागेंगे वो आपको आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे तो बस यही बोलूंगा कि अपने दिल की सुनो और खुश रहो और बस काम करते रहो और प्रिया आप मैं भी यही एडवाइस देना चाहूँगी कि जो भी करो खुश रहो और चाहे कितनी भी नेगेटिव थिंग्स हो और कितना भी बुरा बुरा हुआ हो लेकिन कहीं ना कहीं से खुशी ढूंढो और उस खुशी में खुश रहो और एक एडवाइस मैं और देना चाहूंगी कि जो बच्चे अभी इतना ज्यादा ऐसे फोन पे लगे रहते हैं सब भी लगे रहते हैं मोस्टली तो वो फोन पे ना लग के जितना टाइम वो फोन पे लगाते हैं उससे अच्छा वो अपने पेरेंट्स के साथ बिताए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा अपने पेरेंट्स को टाइम दे क्योंकि जब टाइम चले जाता है ना फिर वो टाइम वापस नहीं आता और इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताओ फोन तो हमारे पास हमेशा ही रहेगा तो जितना ज्यादा हो सके पेरेंट्स के साथ टाइम बिताओ सही बात है तो ये क्वेश्चन के साथ हमारा पॉडकास्ट यही एंड होता है फर्स्ट एपिसोड थैंक यू सो मच सौरभ थैंक यू सो मच प्रिया फॉर कमिंग हियर अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया प्लीज़ इस पॉडकास्ट को लाइक like करो शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच पॉडकास्ट एंड साइनिंग ऑफ थैंक यू सो मच एंड बाय बाय हंसते रहो हंसाते रहो एंड लाइफ में बस खुश रहो थैंक यू सो मच बाय